बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, जो छात्र राजनीति में निकले हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन सब हमारी शुभकामना। निश्चित रूप से मीना जैद भी जरूरत पड़ी, बिल्कुल सहयोग करें। नरेश को पूरा समर्थन करती है और मैं खुद नरेश के लिए वोट के एप्लीकेशन दे रहा। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी और इसके लिए सभी दलों का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक नाम चर्चाओं में तेजी से उभर रहा है, रविंद्र सिंह भाटी। आइए जानते हैं कि जब वो चुनाव नहीं लड़ रहे तो फिर आखिर क्यों भाटी का नाम सुर्खियों में आ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ शरद पुरोहित और आप देख रहे हैं डेली एनालिसिस। राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां करना शुरू कर दिया। इस बार खास बात यह है कि भले ही रविंद्र सिंह भाटी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनका बयान चर्चाओं का विषय बना हुआ है। भाटी ने कहा कि यदि उनसे किसी ने समर्थन मांगा तो वे चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, जो छात्र राजनीति में निकले हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी शुभकामना। निश्चित रूप से मीना जैद भी जरूरत पड़ी, बिल्कुल सहयोग करा। कांग्रेस के नरेश मीणा, जिन्होंने देवली उनियारा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है, ने बगावती तेवर दिखा दिए। इसी बीच रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि वे देवली उनियारा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करेंगे। भाटी का कहना है कि नरेश मीणा छात्र राजनीति से जुड़े हैं और अगर वे विधानसभा पहुंचते हैं तो इससे प्रदेश के विकास को मजबूती मिलेगी। इसी तरह 84 सीट पर भी भाटी ने भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देने की बात कही है। हाल ही में एक पोस्टर भी वायरल हुआ, देखिएगा, जिसमें नरेश मीणा ने 5 पांडव के साथ वो नजर आ रहे हैं। नरेश मीणा, जो पोस्टर वायरल हो रहा है, इस पोस्टर में राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी और चंद्रशेखर आजाद के साथ नरेश मीणा को भी दिखाया गया है। हनुमान बेनीवाल का भी समर्थन नरेश मीणा को मिल रहा है। एक वीडियो में हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा के समर्थन में वोट की अपील करने का ऐलान किया और कहा कि वे भी उनके प्रचार में शामिल होंगे। नरेश मेरा छोटा भाई है और नरेश को मजबूत करना, देवी उनियारा से चुनाव लड़ा नरेश और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नरेश को पूरा समर्थन करती है और मैं खुद नरेश के लिए वोट की अपील करना देवी उनियारा हूँगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। राजस्थान उपचुनावों से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए राजस्थान चौक के साथ। नमस्कार। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे।